इस भागते शहर में फुर्सत से कोई देखे तो सही, इस अकेली रात में दिल से कोई याद करे तो सही। कशमकश की इन राहों में, कशमकश की इन राहों में दिल का हाल कोई पूछे तो सही। आज रेडियो 99.9 एफएम पर आप हैं सलील अपने रात के हम सफर के साथ, और मैं पूछ रहा हूं ना आपका हाल। ये हमेशा भागता हुआ शहर, इसकी रातें भी कुछ अलग होती हैं। यह हमेशा कोई नई कहानी मिल जाती है, कोई नया किरदार मिल जाता है, कुछ अनकहीं बातें मिल जाती हैं, और कुछ चुप आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कुछ ऐसी रातों के लिए हमारा अगला गाना पहली बार आप सुनने जा रहे हैं रेडियो 99.9 एफएम पर अपने रात के हम सफर सलील के साथ। क्यों खो गए थे हम, क्यों खो गए थे हम, क्यों तुम हुए थे कम, बातों से पूछो जरा, क्यों चुप हुए थे हम, क्यों लफ्ज थे से कम, मुझे कब से कॉल कर रही हूँ। सॉरी, वो किसी काम में बिजी थी। ऑल ओके? वो मेरी कीज खो गई थी। थैंक गॉड। I'm so sorry guys. तुम लोग कुछ लोगे? चाय कॉफी? नहीं थैंक्स यार। Where's प्रतीक? हमारा ब्रेकअप हो गया। ओह, कब हुआ? 2 हफ्ते पहले। अच्छा? Well I guess some things are just not meant to be. He was a cheat. And I guess वो कभी वापस नहीं आएगा। But don't worry,
Come what may, I'm there for you. I know. Thanks, Sudhir. Anyways, Pani? नहीं actually कुछ भी नहीं मुझे जाना होगा सुबह जल्दी उठना है okay good night have some water thanks I'm so sorry Asmita I didn't know इतना awkward हो जाएगा I tried calling you, but जब तूने फोन नहीं उठाया तो I had to call him. It's okay, यार. And I'm really sorry. मुझे तेरे ब्रेकअप के बारे में पता ही नहीं था. I should have been there for you, like you were there for me. कोई नहीं यार. It's okay. कोई फर्क नहीं पड़ता. और वैसे भी, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. I'm sure there's something better ahead. I'm sure there's something better. Don't worry. I'll see you soon. Call you back. Asmita, मैं साथ चल सकता हूँ? तुम्हारी मर्जी. भैया तो कॉफी देना एक्स्ट्रा चीनी के साथ एक कॉफी बिना चीनी के समय के साथ कुछ आदतें बदल लेनी चाहिए थैंक्स थैंक यू भैया ये अभी भी है तुम्हारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय भी नहीं बदल सकता तुम्हारी ये स्माइल मुझे हमेशा पजल करती थी क्यों आई डोंट नो इट फेल लाइक अ जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और अब इट्स डिफरेंट और वो कैसे पता नहीं डिड यू नो अबाउट तानियास ब्रेकअप Yeah, sort of. White shirt में लग रहे हो बिल्कुल film director. Meetings में serious दिखने के लिए करना पड़ता है. पर films क्यों? I thought you were against them. Yeah. What I mean is survival के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना.
So films? What about your plays? You had a dedicated audience? लगता है तुम अखबार नहीं पढ़ती। लोगों का प्लेस पर से मन उठ चुका है। They don't work anymore. मैंने तुम्हारे कुछ प्लेस देखे थे। डायलॉग्स काफी इम्प्रूव हो गए हैं। शायद शब्दों को वजह मिल गई। तुम्हारे किरदार कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा? क्या ढूंढ सकते हैं? किसके बारे में फिल्म लिख रहे हो? जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में। रास्ते भी लोगों जैसे होते हैं। कुछ को हम छोड़ देते हैं और कुछ हमें। Then it depends on our choices. अच्छा? So how's Virat? अच्छा ही होगा। तुमने ये घड़ी पहनना कब से शुरू कर दिया? जब से वक्त ने भागना शुरू कर दिया। ये वक्त भी कितना अजीब है ना, कितना कुछ बदल देता है। मैं और विराट अब साथ नहीं है। एक बात पूछूं? पूछो, पर शायद मैं जवाब ना दे पाऊं। तुम्हें किसका साथ ज्यादा अच्छा लगता था, मेरा साथ या उस विराट का साथ? पता नहीं। मेरा पूछने का मतलब यह है कि हम खुश थे ना एक दूसरे के साथ। शायद हाँ। तो फिर वो सब क्या था? तुम, विराट, अकेलापन। अकेलापन? अस्मिता, हमेशा मैं तुम्हारे साथ था। और फिर वो डिवोर्स? तुम हमेशा अपने थिएटर के साथ थे सुधीर, एंड दैट वाज योर प्रायोरिटी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्ले का एक किरदार थी। अस्मिता, ऐसा नहीं था। और अगर ऐसा था भी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती मैं सुधीर? कि मेरे भी कुछ विशेस हैं, कुछ सपने हैं, जिन्हें मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहती हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका। रोकते कैसे, तुम साथ ही नहीं थे। तुम्हें भी तो किसी और का साथ पसंद आ गया था। मुझे नहीं पता वो कब मुझे हंसाने लगा, कब उसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन इतना पता है कि वो मेरे दिल में कभी नहीं था। वो सब मैं तुमसे चाहती थी। You know what? मुझे लगा था तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं रख पाएगा,
अस्मिता, पता नहीं क्यों मैं ऐसा समझता था कि हमारे पास तो पूरी उम्र पड़ी है गुजारने के लिए। मेरा घर आ गया। काश हमारे पास और थोड़ा वक्त होता। हमारे पास बहुत वक्त था। सुधीर, काफी समय से छन-छन कर रही थी। अब शांत हो गई। Yeah.